इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनीवाला ने कहा, आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है, झूठ बोलो, आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कांड खेलो और निकल जाओ। इस प्रकार से पुराने आरोपों को भी फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनीवाला ने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है, झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए, तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 kgs हुआ। तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनीवाला ने आगे कहा कि मीडिया दस्तावेजों के तथ्य सामने आया है और अप्रैल में जेल जाने की अवधि और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत के बीच अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ गया, कहीं पर भी 8 से लेकर 8.5 किलो वजन कम नहीं हुआ है। मामूली वजन कम होने का कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल में खाना बंद कर दिया है ताकि उनका वजन घटे और बीमारी का बहाना बना सके और पीड़ित होने का कार्ड खेला जा सके। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 kgs हुआ है, कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए, ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। एक मेडिकल बोर्ड है एम्स की जो लगातार मॉनिटर करती है अरविंद केजरीवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। तो इस वक्त आपको बता दें, शहजाद पूनीवाला ने आरोप लगाया है कि इस तरह से ये खेल खेल कर केजरीवाल बाहर आना चाहते हैं। आपने सुना, इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं, बढ़ा था। जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है।